दोस्तों, छठ महापर्व उत्तर प्रदेश व बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है। आज पूरे देश में छठ महापर्व का उत्सव होने वाला है। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। यह महापर्व छठी मैया को प्रसन्न करने तथा माताएं अपने संतान तथा परिवार के लिए करती हैं। तो दोस्तों, आइए आपको इस महान पर्व की कुछ विशेषताएँ बताते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों की भी पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। रावण वध के बाद प्रभु श्री राम को ब्राह्मण वध का पाप चढ़ा था। तब माता सीता ने बिहार राज्य के मुंगेर में, जो आज वर्तमान में मुंगेर है, वहां पर सबसे पहले छठी मैया का व्रत किया था। छठी मैया की पूजा आराधना करके प्रसन्न किया तथा प्रभु श्री राम को पाप मुक्त किया था। दोस्तों, छठ पूजा रामायण काल से ही होता आ रहा है तथा महाभारत काल में भी इसके कहानियां सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे तो द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य और सुख संपत्ति वापस प्राप्त हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, जो एक महान योद्धा और दानी था, रोजाना कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। उनकी सूर्य भक्ति की वजह से उन्हें शक्ति और धन की प्राप्ति भी हुई थी। छठ पूजा का महत्व इन्हीं पौराणिक कथाओं से जुड़ा है और इसे करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। व्रत का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन प्रायः लौकी की सब्जी खाई जाती है तथा दूसरा दिन खरना है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद अर्धा यानी गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद लेते हैं। इसके बाद फिर से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, जो कि संध्या अर्घ है, इस दिन व्रती डूबते सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं। परिवार और समाज के लोग भी इस अवसर पर शामिल होते हैं और भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करते हैं। चौथा एवं अंतिम दिन उषा अर्घ। पर्व की आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ते हैं। छठ पूजा के नियम एवं परंपराएं भी हैं। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान लोग खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और पूजा की सामग्री को शुद्ध मानते हैं। व्रतियों के लिए यह नियम है कि वे इस पूजा के दौरान कोई भी अनुचित आचरण न करें, जैसे कि झूठ बोलना या किसी से बुरा व्यवहार करना। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूजा के माध्यम से लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं और परिवार व समाज के साथ सामूहिक रूप से मिलकर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी छठी मैया की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।